महकमा एंटी करप्शन पंजाब का साबिक वजीर आला परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ घेरा तंग। 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तहारात की मद में गबन का इल्जाम। स्कैंडल मंजरे आम पर आने के बाद महकमा एंटी करप्शन ने परवेज इलाही दौर के मुतलका लोगों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। तफसीलात जान लेते हैं वासिफ महमूद से। वासिफ महमूद, क्या तफसीलात इकट्ठी हुई हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है और उसमें बताया जा रहा है कि 2.5 अरब रुपए के सरकारी इशारात में गबन की गिले में इल्जाम लगाया गया है। और इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन ने DGPR के दफ्तर में छापा मारा है, जहाँ पर उन्होंने एक साबिक जो उसके DG थे अफराज अहमद, उनको मर्जी मुजमगी करार दिया है और साथ ही साथ वहाँ पर एक मुलाजम को भी DGPR के उसको हिरासत में लिया है। उसमें बताया गया है कि चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई जो DGPR के इश्तहारात जारी होते थे उसमें 50% कमीशन खाते थे और इसमें बगैर रिलीज ऑर्डर के। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।